गुड मॉर्निंग गाइस। सो ये मेरे ट्रेवल का दूसरा दिन है। समझ लो कल दोपहर 12:30 से मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी मैं हूँ पटना में, क्योंकि कल रात को मेरे साथ सीन हो गया, मैं फंस गया था पटना में। मैं एक होटल लिया, होटल में रुका हुआ हूँ। और पर्सनल रिकमेंडेशन, इस होटल में कभी बुकिंग मत करना। तो सीन ऐसा है कि द सर्विस इज़ रियली बैड, द होटल इज़ रियली बैड। सर्विस ठीक ठाक थी, खाना ठीक था, बट होटल काफ़ी गंदा है। अब मैं कैसे दिखाऊँ तुम लोग को, दीवार पे जैसे दिखा रहा हूँ तुमको, यू कैन सी दीवार पे ऐसे गंदगी फैली हुई है, ठीक है। ये देखो, ये सारी चीज़ें टूटी फूटी हुई हैं, ठीक है। ये देखो, ये भी टूटा हुआ है, ठीक है। ये दीवार पे ऐसे गंदगी फैला हुआ है, ये है भी सर, पूरा विंडो वगैरह सारा गंदा फैला हुआ है। देर इज़ नो अलमीरा, इन द नेम ऑफ अलमीरा दे हैव गिवन दिस तिजोरी सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है। तिजोरी जैसा है दीवार पे, देख ही सकते हो। ये होटल कौन सा है मैं नीचे जाके तुम लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है। अब बात यह कि अब मैं आज का ट्रिप शुरू करते हैं, क्योंकि आज मैं वापस जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन। मेरे पास सी मेरे पास फ्लाइट के ऑप्शंस थे, बट लाइक वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। 10,000 रुपये से ज़्यादा का फ्लाइट हो रहा है आज की डेट में, अगर मैं करूँ तो मैं मेरे पास बस का ऑप्शन है, बट बस 22 घंटे से कम नहीं ले रहा है। और फिर मेरे पास एक ट्रेन का ऑप्शन है, मैं जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन। ट्रेन्स बहुत सारी हैं, कल ट्रेन भी नहीं थी कोई, तो ट्रेन्स बहुत सारी हैं, ठीक है। तो मैं किसी ट्रेन का जनरल टिकट कटाऊंगा और ट्रेन में बैठ जाऊंगा, टीटी से बात करूंगा, और सीट मिले तो ठीक, नहीं मिले तो जनरल से ही चले आएंगे। खैर चलो, अब आज का ट्रिप यहाँ से शुरू करते हैं। होटल से निकलने से पहले मेरे को दिख गया है एक हेलमेट का शॉप। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि हेलमेट लूँ, यहाँ पे कुछ अच्छे रेंजेस दिख रहे हैं, बट मैं बस तुम लोग को दिखा देता हूँ। रेंज यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, मेरे को कलर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। अगर तुम पटना हो तो क्या नाम है आपका शॉप का? जय इंटरप्राइजेस। जय इंटरप्राइजेस पटना हो तो जय इंटरप्राइजेस जो होटल वेलकम पैलेस है उसके पास, उसके नीचे ही है, ठीक है। तो पटना में तुम्हें ये हेलमेट का शॉप दिख सकता है। रेंजेस कहाँ से स्टार्ट है आपके? ये स्टार्ट है 750 से डिस्काउंट के बाद, जैसे मैं 750 थे और कब 3,000 तक का बस देख लिया। मेरे को अच्छा लग रहा है, दो चार हेलमेट, जैसे मेरे को ये वाला अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। मेरे को ऐसा हेलमेट चाहिए जाए जिसपे मैं अपना कैमरा लगा सकूं और मोटो ब्लॉगिंग कर सकूं। ये है होटल वेलकम पैलेस, और कभी भी इस होटल को रिकमेंड नहीं करूंगा मैं। होटल वेलकम पैलेस पे कभी मत आना, बहुत ही बेकार है। यार आई हेट दिस सेट। हाँ कितना कितना दे रहे हैं यार? कल रात को मैं 20 रुपये दे के आया था। 20 रुपया में कोई नहीं जाएगा सर, 30 रुपया। 30 रुपया जी। चलो यार, अब रिक्शे वाले से मैं मुलाई नहीं कर सकता। अच्छा तब लाओ इसको, बिल्कुल रुको मैं रखवा देता हूँ। लाइफ में एक चीज़ याद रखो, बार्गेन करो, बट रिक्शे वालों से कभी नहीं। मैं बार्गेन करना रिक्शे वालों से पसंद नहीं करता हूँ, बिकॉज कुछ ज़्यादा ही हार्डवर्क करते हैं ये लोग, किसी को खींचना कोई आसान बात नहीं है लगेज लेके। तो मैं इन लोगों से कभी बार्गेन करना पसंद नहीं करता। हाँ अगर बहुत ज़्यादा मांग रहा तब जरूर करता हूँ, लाइक मेरे को लगा 30 रुपये ठीक है, ओके है, तो मैं ठीक है। मुझे कुछ दिख गया है यहाँ पे, लोग मेरे नाम से होटल चला रहे हैं, होटल अभिषेक, मेरे से बिना पूछे। ये ट्रैफिक का सिस्टम इंडिया में कब खत्म होगा यार? इतना गंदा ट्रैफिक लगता है ना, क्या बताऊँ। कोई भी बड़ी सिटी चले जाओ, पटना हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलुरु हो, हर जगह पर इतनी गंदी गंदी ट्रैफिक दिख जाती है यार। हॉर्न तो लोग ऐसे बजाते हैं ना यार, कान फाड़ देते हैं पूरा। मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूं रेलवे स्टेशन, यहाँ इतनी गंदी भीड़ है, इतनी गंदी भीड़ है ना, क्या बताऊँ मैं। सामने मंदिर है, ये है हनुमान जी का मंदिर, ये शायद वही हनुमान जी का मंदिर है, पटना का फेमस हनुमान जी मंदिर है, आई डोंट नो। जो भी है, जय हनुमान जी। प्लीज़ आज मेरे को ट्रेन मिल जाए भगवान, प्लीज़। हम पहुंच चुके हैं पटना जंक्शन। सो फाइनली मैं आ चुका हूँ रेलवे स्टेशन, है ना, और बगल में हनुमान जी का मंदिर है, पूजा वूजा चल रहा है, आरती वारती चल रही है। अब यहाँ पे सबसे पहले मेरे को टिकट लेना है, और टिकट कल रात को मैंने देखा था कहाँ मिलता है, एक बार जाए तो वहीं जाऊँगा मैं, टिकट लूँगा। पहले टिकट के लिए पहले मैं पूछूँगा कि दिल्ली की कोई ट्रेन है या नहीं है इस टाइम पे, ठीक है। मतलब शाम तक भी कोई हो, और कोई भी एक जनरल टिकट दे दो मेरे को, ओके। सो द थिंग इज़ कि टिकट बड़ी मुश्किल से मिला मेरे को, एक टिकट मिला है तत्काल का वेट लिस्ट चल रहा था आज का, 20 वेट लिस्ट चल रहा था, नहीं 20 नहीं, 20 से ज़्यादा चल रहा था, अभी 20 हो गया है, ठीक है।
उसमें टिकट मिला मेरे को, वो भी वो ट्रेन शाम को 7:35 पे है, दिन का कोई ट्रेन का टिकट ही नहीं मिल रहा था। ठीक है, एक दो मिल रहा था तो पाटलीपुर और दानापुर से मिल रहा था, तो वो मेरे को पता नहीं कहाँ आई डी आर में, घूमना नहीं चाहता इतना अभी क्योंकि मेरे को वो लगी है भूख। मैंने सबसे पहले वो टिकट कराया। अब तत्काल के टिकट के साथ दिक्कत ये है कि अगर वेट लिस्ट रहा तत्काल का टिकट तो कैंसिल हो जाता है, और रिफंड तो चलो आ जाता है बट कैंसिल हो जाता है टिकट। और अब मैं चल रहा हूँ, सबसे पहले कुछ खाता हूँ यार, भूख लग गई है। टिकट के चक्कर में 1.5 घंटे से घूम रहा था, कुछ बाद में पेट पूजा सबसे पहले ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए सबसे पहले मैं पीऊँगा चाय, और चाय के साथ खाऊँगा लिट्टी चोखा। सो हैविंग अ नाइस कप ऑफ टी विथ लिट्टी चोखा बिहार इज ऑलवेज नाइस। ठीक है, बिहार का लिट्टी चोखा काफ़ी फेमस है और चाय तो फेमस है ही। सर हैविंग माई नाइस लिट्टी चोखा और चाय कुल्हड़ वाली। ठीक है, मैं वापस आ चुका रेलवे स्टेशन पे, और काफ़ी क्लीन है रेलवे स्टेशन, तुम देख सकते हो पीछे एकदम क्लीन है। चलो फिर, अब मेरे पास है 7 घंटे। ठीक है, 7 घंटे मैं क्या करूँगा मेरे को भी नहीं पता है। ठीक है, अब मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं वेट कर सकता हूँ 7 घंटे तक, या कहीं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। और पटना एक्सप्लोर करने के लिए अगर मैं निकलूँगा भाई तो 3-4 घंटे में क्या ही देखूँगा, और तीन मेरे को लग रहा है 4 घंटे पहले तुम्हारा चार्ट पेपर हो जाता है, तो चार्ट पेपर होने के बाद मैं चेक करूँगा कि मेरे पास क्या चांसेज हैं और मेरा टिकट कंफर्म होने का। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कहीं जाऊँ नहीं, यहीं रहता हूँ और वेट करता हूँ तब तक कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करता हूँ, अपनी वीडियो एडिट कर लेता हूँ। द थिंग इज कि मैंने चाय पीते पीते अभी ये पाया कि ये जो पानी का बॉटल है ना जो मैंने उस होटल से लिया था, इस घटिया होटल वाले ने क्या किया कि इस बॉटल में नॉर्मल पानी भर के मेरे को दे दिया। मैंने उस टाइम वो पानी टेस्ट नहीं करा था, मैंने बस ले लिया था कि ज़रूरत पड़ गई तो ले लेता हूँ। अभी मैंने जब टेस्ट करा तो वो मतलब यार पूरा इतना घटिया लग रहा है ना, नॉर्मल पानी वाला टेस्ट है वो भी गंदा। थक तो गए ही हैं और लंच का टाइम भी हो गया है, तो मैंने सोचा कुछ खा लेते हैं। तो आई फाउंड द एग रोल बेस्ट ऑप्शन, और साथ में एक और न्यूज़ ये है कि मेरा टिकट अभी भी वेट लिस्ट में है, चार्ट प्रिपेयर हो चुका है फिर भी वेट लिस्ट में है, तो अब वेटिंग से हटने के चांसेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। अभी तत्काल वेटिंग है तो आई डोंट नो क्या सीन है, अभी शायद कोविड के चक्कर में कुछ रूल्स चेंज हुए थे। सो द थिंग इज कि मैंने जिस ट्रेन से जाने का प्लान किया था वो ट्रेन तो आ चुका है, मेरा टिकट अभी भी वेट लिस्ट में है, मतलब मेरा टिकट कैंसिल होने वाला है। अब मैं बस यही कर सकता हूँ कि टीटी से बात करके और अपना टिकट करा लूँ, अगर हो गया तो ठीक है। सो हाउ एवर आई हैव मैनेज टू गेट अ सीट एंड गेट अ सीट टू स्लीप ऑल्सो, तो अब मैं जब बस एक काम करूँगा सबसे पहले जाके सो जाऊँगा और सीधे तुम्हें से कल सुबह मिलता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली मैं निकल चुका हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर। ट्रेन जो है उसने टाइम पे पहुँचा दिया था, अब यहाँ से इधर आई विल टेक मेट्रो और आई विल टेक कैब। आई थिंक मेट्रो इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है, चीपर है और टाइम से पहुँचा भी देगा, और मेट्रो चल भी रही है। बट उससे पहले मैं क्या सोच रहा हूँ कि कुछ खा लेता हूँ, भूख लगी रात को, मैंने कुछ खाया नहीं था तो मेरे को लगी थी कल रात से भूख, मैंने कुछ खाया नहीं था क्योंकि ट्रेन में कुछ अच्छा मिलता नहीं है। नाउ आई एम हैविंग कॉफी गाइस एंड अ रैप। सो मैं निकल चुका हूँ बर्गर किंग से,
हम मेट्रो स्टेशन पे उतरते ही ऑटो वाले तो ऐसे तुम्हारे पीछे लगते हैं ना, जैसे उड़ा के तुमको घर पहुंचा देंगे। मतलब देखा चलो भैया, कहाँ चलना, मैंने 100 रुपये दे देना। तो अबे व्हाट द, यार भाई उतरने तो दे आराम से, चैन की सांस तो लेने दे भाई, जीने तो दे। बट नहीं, ये किधर पीछे लग जाते हैं। सेक्टर 72 नहीं, सेक्टर 72 ई ब्लॉक कितना, ये रहा ये वाले कट के पीछे 50। चलो भाई, अब मेरे को लगेगा मात्र 5 मिनट और फिर मैं घर पहुंच जाऊंगा। लेफ्ट ले लेना, ओके। सो फाइनली मैं आ गया हूँ घर, और मेरा 8-9 घंटे का रिटर्न ट्रिप पूरा 48 घंटे में बदल गया, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बस ड्राइवर जिसने 6.5 घंटे लगा दिए मेरे को एयरपोर्ट पहुँचाने में, लाइक पटना पहुँचाने में। वहाँ से फिर थोड़ा टाइम लग गया एयरपोर्ट पहुँचने में, मेरे को लेट हुआ, मेरी फ्लाइट छूट गई, मेरे को फिर ट्रेन नहीं मिला, बस नहीं मिला, मैंने होटल करा, स्टे करा, नेक्स्ट डे मैंने ट्रेन का टिकट करा, वो नहीं मिला, मेरा तत्काल में टिकट मिला वेटिंग था वो कैंसिल हो गया, फिर मैं राजधानी में चढ़ा, फिर वहाँ पे TT को पैसे देके फिर मेरे को सीट मिला, फिर मैं आया एंड फाइनली आई एम होम। अब ठीक है, घर पहुँच गया हूँ, तो चलते हैं अपन रेस्ट करेंगे। और तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करो, अभी बहुत सारे ब्लॉग आने वाले हैं। यहाँ पे तो वैसे गया के ट्रिप का एंड होता है, बट गया के ट्रिप की एक वीडियो रह गई है जो कि मैंने अभी तक अपलोड नहीं करी है, उसको मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग था वो डे, तो उसको जल्दी अपलोड कर दूंगा मैं, तो स्टे ट्यून्ड और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो यार। चलो फिर मिलते हैं तुम लोगों से।